क्या काम करना है आज, क्या क्या काम करना है, तो बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। साइकिल मतलब सर्कल सर्कल, हाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ दे दो वाली प्लेट वाला दे ये। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। का कॉलेज का वर्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आज सब हम सब मिलकर मैं गुड्डन और एक दो लड़कियों को और मैं बुलाऊंगी, तो हम इसकी मदद करेंगे। इसने एक ड्रेस डिजाइन की है, तो उस पर ना थोड़े स्टोन चिपकाने हैं, तो वो हम सब चिपकाएंगे। कढ़ाई जो करनी है वो गुड्डन कर रही है, थोड़ा सा इसने की है, थोड़ा सा गुड्डन कर रही है। और एक ड्रेस इसकी बुआ सिल रही है, इसके लिए एग्जीबिशन है कॉलेज में, तो उसके लिए एक ड्रेस इसकी बुआ सिल रही है, उस पर जो वर्क हो रहा है वो गुड्डन कर रही है। कुछ पायल करेगी, और ये पायल अपने लिए जो वहाँ पे वो लगेंगे अभी आपको दिखाऊंगी, वो बना रही है। तो अभी काम ख़त्म हो गया है, टाइम हुआ है 9:50, तो अभी और नाश्ते में बनेंगे आज चिल्ले, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ड्रेस है जो डिज़ाइन की है पायल ने, ये लहंगा है, इस पर स्टोन लगाएंगे, जब लगाएंगे जब आपको दिखाएंगे। और ये कॉर्नर में सारा सामान पायल का रखा है, ये इसे बनाने हैं, जब कंप्लीट कर लेगी तब दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी भी वो कुछ डिजाइन कर रही है, वो कुछ फेसेस बना रही थी, तो मैंने कहा वो मत बनाओ, मैं कलर प्रिंट निकलवा के ला दूँगी, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। तो अभी जो वैसा वर्क है जो प्रिंट नहीं हो सकता वो ये कर रही है, जो प्रिंट हो सकता है उसको मैं प्रिंट करवा के लेके आऊँगी। तो चलिए पहले चिल्ले बना लेते हैं। चिल्ले बनाने के लिए कुछ हरी सब्जी ली हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और इनको चॉपर से मैंने ना बारीक बारीक काट लिया सारी सब्जियों को। प्याज आप डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसे गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और ये सब अदरक प्याज व्याज। 2 कप बेसन लिया, इसमें धनिया डाल दिया, मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, जितना आप हल्का तेज खाना चाहें। 1 चम्मच डाला है साबुत जीरा, और हल्का सा कलर देने के लिए हल्दी डाल ली है, जरा सा हींग भी डाल लूँगी ताकि कोई चीज़ नुकसान ना दे। और ये 2 चम्मच मैंने सूजी ली है बारीक वाली, इससे ना चिल्ले थोड़े से क्रंची से बनते हैं अच्छे। बैटर बना लूँगी अच्छे से पानी डाल के, और चाहे तो आप सारी सूजी भी ले सकते हैं, सारा बेसन भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने 2 कप बेसन लिया है छोटे वाले, और 2 चम्मच सूजी लिए। अभी मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी इसमें, और ये बाकी सारी जितनी भी सब्जियां मैंने काट के रखी थी अच्छे से मिला के इसमें, और रख दूंगी इसे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सब्जियां ना पानी छोड़ देंगी। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है ज़्यादा, अब आप देखो सब्जियों ने इतना पानी छोड़ दिया था, काफ़ी पतला हो गया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा पतला और मैं करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट और कराते हैं इसको। आप देख सकते हैं काफ़ी पतला हो गया है, इतने के ही अच्छे चिल्ले बनते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जितना पतला बैटर होता है ना उतने ही अच्छे चिल्ले बनते हैं। तो ये मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया, इस पे घी लगा दूंगी मैं, और घी लगाने के बाद बैटर को इस पे फैला देंगे अच्छे से। और पहली बार अच्छे से घी लगा लीजिए आप नॉन स्टिक पे, फिर सारे चिल्ले आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल 1-2 बूंद घी डाल के। चाहे तो आप रिफाइंड में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में, घी में, किसी में, जिसमें आपका मन करे। तो इस तरह आराम से इवनली सारे में फैला दीजिए बैटर को, और पकने का समय दीजिए। चिल्ला हमेशा जब टूटता है, जब वो कच्चा हम पलटने की कोशिश करते हैं उसको, तो चिल्ले को हमेशा पूरी तरह पकने दीजिए, तब पलट दिए तो वो बिल्कुल नहीं टूटता। देखो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया मैंने इसको, और काफ़ी क्रिस्पी सा हो गया ये। अब ऐसे ही मैं ये बन गया, और बना लूँगी बाकी के, और फिर पायल को देते हैं खाने के लिए। आप इस तरह डाल के अगर चमचे से नहीं फैलाना चाहते तो तवे को इस तरह थोड़ा सा हिला दीजिए, तो ये अपने आप ही बैटर फैल जाता है, क्योंकि चिल्लों का बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा जाता, हल्का पतला सा ही रखा जाता है। देखो अब
बार बार घी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े अच्छे सिक जाते हैं नॉन स्टिक पे तवे पे। तो मैं सारे सेक के तैयार कर लूँगी और आ जाइए आप भी खा लीजिए, पायल के लिए थाली लग गई है। वाली सॉस भी है और वैसी वाली सॉस भी है। ठीक है, खा के बताओ कैसा बना है। हंसी भी रही है, पायल हंसती हुई भी आएगी। बढ़िया, काम खत्म हो गया है पूरा किचन का। देखो ये मैंने अपने लिए खाना डाल लिया है, ये रेनुका रखा है ऊपर। देखो इतने ये चिल्ले बने, इतने मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी है बिल्कुल। ठीक है, मैं भी खाना खा रही हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद बस मुझे लगाने हैं पायल की ड्रेस पे स्टोन, और मैं बच्चों को भी बुलाऊंगी। देखो ये इस तरह की ड्रेस है, ये लहंगा है, इस पर इस तरह इसने पूरी पे नीचे स्टोन लगाने हैं। तो ये काफ़ी बारीक काम है, इतनी मतलब एक आदमी करेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने बच्चे बना लिए हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनकी बेटियां हैं। तो अभी तो दो आई हैं, एक बेटी और है उनकी, वो भी आने वाली है। तो हमने सब ने मिल के इस पर कंप्लीट कर दिया था रात तक ये वर्क, लेकिन काफ़ी बारीक वर्क था ये। तो सबने एक एक कलर ले लिया था, जैसे मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया था, एक बेटी ने वाइट कलर के लिए थे और एक ने ब्लू कलर के। तो इस तरह सबने एक एक कलर ले लिया था कि भाई आप एक एक कलर लगाते चले जाएंगे। और एक एडहेसिव आता है जिससे लगाते हैं। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, उनका ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो अभी मैं अकेले ही लगा रही हूँ। तो बच्चे कह रहे थे कि हम आंटी आ जाएंगे बाद में, वो आ भी गए थे ट्यूशन के बाद फिर। और पायल इस तरह का वर्क कर रही है अपना, ये इस तरह सुंदर है ना, सजाया आपने? नहीं, ऐसे ही मिला था मार्केट से लेके आई। कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे सुंदर लगा, कितना प्यारा लगा, ऐसा लग रहा है कुछ सो पीस हो। वो नहीं खड़ा, वो ब्लैक सा वो खुलता है, ग्रे सा कैसे खुलता है आंटी? जो आंख है सर उधर खड़ा आराम से वो खुलता है, लाएगी फिर। वाओ जैसे रूम में पढ़ने वाला बच्चा बैठ के साइड में रख लो, कागज वागज डाल लो कुछ, बस थक गए हम सब, चाय पी रहे हैं, चाय आप भी पी लीजिए। और सुबह से बैठे बैठे अभी टाइम हो रहा था, शाम के 4:30 बज रहे थे और हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि अब ना काम ऐसा लग रहा था कि और मत करो काम। तो बस थोड़ी सी बातें हो रही थी बच्चों से और थोड़ा सा चाय नाश्ता, मगर सब चाय वाय पी के आराम से काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी काम बचा हुआ था अभी रात तक किया। और फिर जो ऊपर के साइड बच गए थे वो मैंने नेक्स्ट डे किए हैं। इसी तरह बच्चों ने काफ़ी सहयोग किया मेरा, काम करने में मदद की। अब बच्चे पूछ रहे थे आंटी आप वीडियो एडिट कैसे करते हो, तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा वही बता रही हूँ। और अब हम वापस लग गए हैं अपने वर्क पे, हम दोनों तो लग गए हैं। ये गुड़िया अभी पी रही है चाय, तो अब ये भी लग जाएगी और साथ साथ बातें भी चल रही हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता है मेरे व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। और अगर मन करता है तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं मन करता है तो ना ही कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी पे है नहीं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे।